कि अपने दसाई भाई आज रात को नाइट आउट हो रहा है भाई, शायद जिंदगी में बहुत टाइम बाद, लगभग 4 या 5 साल बाद, नाहन की हसीन वादियों में। सर आपको दर्शन करवाएंगे हमारे दूसरे मित्र, ये पंकज जी है, दारू पीने में फुल माहिर है, दारू पीने में भी और बांटने में भी, जितनी मर्जी पिला दो भाई। बाबू भाई कितनी बोतल पी लेते आप? बाबा देखो झन्ने अभी भी झन्ने झन्ने। और इसी के साथ यहाँ पे ये दूसरी वाली गाड़ी है जो आज जो बाहर निकले हुए हैं, ट्रेन ड्राइवर है, आप ऐसा ना करें कि ट्रेन कम आपको मिलवाएंगे। ये है डॉन, चूतिया नंबर 3 हमारे बीच, और यही करता करता है। और ये है फोक सिंगर राजेश जी, मन दानी हार, इनका जो रैप है वो काफी फेमस है, और लड़कियों से हमेशा दूर रहते हैं। और ये है करता धरता, बहुत ही मतलब प्लान किया हमारे बॉडी जी ने, हम बर्लिन है ये, प्रोफेसर है ये। हमारी हाइस देखिए, ये लोग बिल्कुल ही फुली गाइस हो चुके हैं। सो गाइस अब हम थोड़ी देर बाद पार्टी करने जा रहे हैं, पर अब फिर बूम 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 पार्टी होने वाली है। तो आगे क्या हम क्या होने वाला है आपको अगली वाली वीडियो में, अगली इसके बाद जो स्लाइड आएगी इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम, तो अभी दिखा दो हम क्या क्या लेके आए हैं। अभी हम सब कुछ लेके आए हैं भाई, हमारे थोड़ी देर पहले तो एक्सीडेंट हो गया था यार, क्या बताएं। ये मीट हम जो है एक तो पहाड़ी है नॉर्मली वो ये खाते हैं, और when I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lost a dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you. जो सामान है वो तैयार हो गए, ये है नाइफ, दूसरे वाले नाइफ है, और यहाँ पे आग लगाने की तैयारी है बिल्कुल। अभी आपको दिखाएंगे कि रात में कैसे सजाएं। बाबू भाई हमारे पास शेफ है, शेफ तो हम भी हैं, देखिए क्या पता बनाए या नहीं। थोड़े छ आछड़े यार ओदे आछड़े ल छ केने रूम दो यार रूम दी तने सिंह था भाई है। हां इते काटा गई थे इते छवे को रिशु बात में। हां ये बुटनाथ है चल रे ओए कट जा यार, मामा तू जान दना चुप। ओके ओके यू आर द एक्सपर्ट मैन। ओई था इते जाने पुंको जा तू दुगो अंदर आ तो ठोक लाजू जे बस भूख ही रही ना बुटनाथ दा रो अलग अलग पीस हो जाते हैं। मामा यार सोचा ही नहीं कर हमारे बारे गलत तो मसाले की खुशबू कर रहे हैं सेक्सी है। वाह भाई खतरनाक ऐसा लगता है मैगी मसाला डाला कितना टाइम है मैगी भी अपने इसमें ओए आग जला और पाड़ी था जल्दी। सो गाइस ये तेसाई बाइक जो है वो आग जला चुके हैं बड़े मुश्किल से, लेकिन ये आग जलाने में एक्सपर्ट है, किसी की भी जलाते समझ लो आप क्या जला सकते हैं। राजेश भाई ने इस जो मुर्गे को है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर दिया है। राजेश भाई आपने इसको कैसे कि इसमें मसाले लगाए आपने? हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और इसमें हमने डाला है प्याज और टमाटर, बिल्कुल उसको रोस्ट करके बिल्कुल ऐसा मसाला बनाया है कि वाह
सुगंध देखने के बाद बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मतलब जो आ रही है, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना स्वादिष्ट है भाई ये। अब मैं वाव नहीं बोल सकता क्योंकि मैं खुद नहीं खाता हूँ यार। अब हम इसमें ठंडा फंसाएंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा ये फंसा ठंडा और ये चला, ये चला अपने डेस्टिनेशन पर। अब सर आप पकड़िए, अब हम संजाय लगाते हैं। पकड़ मामा इसको। सो आप देख सकते हैं पूरा नहीं पकता है, लगा रहा है लगाने दी। नहीं अभी चल 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 बीच में रख, सबसे गरम ना ब्लू फ्लेम होती है। ब्लू फ्लेम है दादा, खाता साइंटिस्ट आज वो एक बंदा। हां सॉरी दादा, दिए भाई सुन के भाई पाली टॉर्च लग पंकज हां ट्वीट में आप पुखर हो गए। अरे देखिए कैसे गांड में आग लग रही है। ये हमारे करता दर्द है भाई, इनके बारे में जो क्या बताए, किससे प्रचलित है पूरे नाहन में। जितनी बारिशें करते हैं उतनी कहीं किससे तो ऐसे प्रचलित है, हम आपको बता नहीं सकते हैं भाई। ऐसे ऐसे बंदे हैं, बंदियों की तो लाइन लगी है। जल्दी से अलग होने वाला, इसलिए सावधान रहिए। अभी लेग पीस अलग होने वाला है यार भाई, आपको लेग पीस लेना भाई मेरे को, मैंने आज तक नहीं खाया। जैसे एक भाई की डिमांड पर उनको लेग पीस मिलेगा। फिल्मों में देखा रहे हैं जब पकड़ के खाते हैं तो भाई 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 दबा के रखा अपने साइड। एक मिनट मैं थोड़ा सा काम भी करा, वहाँ पे मेन काम करना पड़ेगा, हम जल्दबाजी कर। ये है पंकज भाई, इनके बारे में क्या बताया आपको। जंगलों में ही रहते हैं चार पांच। ये ऐसे आदमी है कि हिमाचल के प्रत्येक कोने में रहते हैं और घर में जा रहते हैं वहाँ भी छोड़ी अपने जंगलों में रहते हैं। और ये दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट है और दूसरे दारू बांटने के लिए। भाई क्या बताए तुम्हें, खुद नहीं पीते। लेकिन खुद नहीं पीते है सबसे बड़ी समस्या भी है। तो ये अभी तैयार हो रहा है, इसके बाद जो दूसरे वाला है वो भी बनने वाला है। और अब राजेश भाई पूरे तन्मयता के साथ यहाँ लगे हुए हैं। देसाई भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम क्या क्या खाई है इतनी घनघोर सर्दी में। बता दूं मैं, देसाई भाई कल रात को 12 बजे सोए थे और आज दिन को 2 बजे उठे हुए हैं। अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कराना था मेरे को उनसे। कौन वाले जो आए थे सुबह, एक आर्मी वाला। राजेश भाई हैज बीन स्टार्टेड लाइट रेड बना रही है और ये दोनों जो हैं ये देखो यहाँ झगड़ा कर रहे हैं मीट को खाने को लेकर। राजेश भाई तो भाई नींबू को इसके ऊपर लेप लगा के बिल्कुल बढ़िया से खाएंगे। गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट है और धनिया है, मैगी मसाले जितने भी और हम गर्म मसाले आते हैं, जीरा है, धनिया है और जो मसाले हैं दिया है। और जो लास्ट वाली चीज है वो है नींबू। जब आप इसमें नींबू लगाएंगे तो आप ये इसका जो स्वाद है वो उसको डबल कर देगा। और ये जो काला नमक है इसको आपको और लगाएंगे तो इससे स्वाद और ज्यादा अच्छे होने वाला है। तो ये अब हमारे पक्के तैयार हो चुके हैं, अब कुछ ही देर में हम लोग खाएंगे इसको। राजेश भाई पूरी तन्मयता के साथ इसमें नींबू लगा रहे हैं क्योंकि इससे जो बाहर का जो कालापन है वो इससे निकल जाएगा। और नींबू जो है वो हमेशा स्वाद जो है किसी चीज़ का वो इंक्रीज करता है हमेशा। तो जब कभी आप आउटिंग करें और ख़ासकर आप मीट बनाएं तो उस पर, और अगर आप भून रहे स्पेशली तो फिर आपको नींबू लगाना बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास जो कालापन होता है वो निकल जाता है। क्योंकि आप इसको पानी से धो नहीं सकते, अगर आप इसको पानी से धोते हैं तो आपके मसाले जो है वो ख़राब हो जाते हैं।
तो एक तीखापन सा आ जाता है, अलग सा स्वाद आ जाता है। तो अब आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद इसको कैसे हम चटपट करेंगे। वो जतिर तिर है जिंदा कच्ची रह रहे तो पिछवाड़े से छूट रहे यार। अरे पक गया भाई ये, मैं डालता हूँ सर मोड़। तो वही तो बोल रहा हूँ, अब भी ये बंद कर दो। कम सोच रहे, ये एक दिन आज हमारे मुझे कम दिख रहे हैं। पर राजेश भाई पूरे भोजपुरी स्टाइल में मीट का जो पोस्टमार्टम सॉरी मटन का जो ये बात ये कि हम अज्ञानी हैं। ये है भाई आपका लेग पीस। किस में दिख रहा है कम? अरे ठीक है डाल दिया यार। नहीं तो पारी हैज बिगिन। हमरे सिंह का जीत लाई भाई। लाइट नहीं जल रही यार। मेरा फोन किसके पास? ओए सिंह भाई गिलास में डाल दे मेरे फोन। नहीं दादा इतना कहां है जी का है तू भी नहीं मैं सीधा जब चाहनी पड़ा है तो लगता तो लेग पीस है भाई। ये वाला है मेरे वाला खाना क्योंकि हम हैं पूर्ण रूप से शाकाहारी। हम मैगी बनाए अपने लिए अपना कोल्ड ड्रिंक, तो आप हम भी खा लेते हैं। ये है गिरमिटिया मजदूर अकेले कितनी चिकन ये भग गया भाई। हड्डिया तक खा ली बाबा ना चू चूस के। ये लोकल स्लैंग है नाहन का। Rider sir, how's your feeling, man? Feeling good. Wow, that's it's a wonderful car, Grand i10. I like it very much. Oh, that's giving a review of the all about the man.